बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथानॉल। तो एथानॉल को वर्ल्ड ओवर फर्मेंटेशन प्रोसेस से हासिल किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा अंदाजा मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में। व्हाट इज यीस्ट? तो यीस्ट क्या है, एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि 100 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है वो ओरिजिनेट हुआ, और इसकी ये फंगल किंगडम से बिलोंग करता है, और इसकी 1500 स्पीशीज जो है, जो फंगल किंगडम है उसकी एस्टेब्लिश या रिकग्नाइज हो चुकी हैं। टोटल फंगल किंगडम जो भी है जिसकी 1500 स्पीशीज रिकग्नाइज हो चुकी हैं, उसका 1% जो है वो यीस्ट पर मुश्तमिल होता है। तो यीस्ट क्या है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू फंगल किंगडम। अब ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इसको एंजाइम्स भी कहते हैं, और इसकी मौजूदगी में, एंजाइम्स की मौजूदगी में जो बड़े कंपाउंड्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उसको हम ब्रेक करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। तो यीस्ट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। यीस्ट को आप ऐसा समझे जैसे जो है वो चाबियों का एक गुच्छा होता है, उसके अंदर डिफरेंट कीज हैं, तो हर की का एक अलग फंक्शन है। एक अगर उसके अंदर एक गाड़ी की है तो वो उससे आप गाड़ी का लॉक ओपन कर सकते हैं, अगर किसी ड्रॉ की है तो उससे आप ड्रॉ को ओपन कर सकते हैं। सेम इसी तरह यीस्ट के अंदर जो मेजर दो प्रिंसिपल एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक होता है इन्वर्टेज और एक होता है जो है इन्वर्ट माल्टेज। उसके अलावा माइनर एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं उसके अंदर, वो एंजाइमेज है, डायस्टेज वगैरह वगैरह, तो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस का समझ आ गया आपको क्या होता है। एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हायर कंपाउंड्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को हम ब्रेक करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में। अब हमारे पास जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, आपको बताया हमने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी में होता है जो कि यीस्ट को, जिसको हमने कहा। अब इसकी जो प्रोसेस है, इसको प्रोसीड करने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फर्मेंटेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है कार्बोहाइड्रेट्स में, तब फर्मेंटेशन होनी है, अदरवाइज फर्मेंटेशन नहीं होनी। नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नो फर्मेंटेशन, ये बात याद रख लें। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस हैं, वो पहली कंडीशन क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर जो है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस जिस रिएक्शन चैम्बर में आप रिएक्शन कर रहे हैं, 125 से कम या 35 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होगा। इस रेंज के अंदर टेम्परेचर होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर एरेशन, प्रॉपर एयर होना जरूरी है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकें। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो याद रखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे, जिस वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। उसके बाद एब्सेंस ऑफ एनी प्रेजर्वेटिव, तो कोई प्रेजर्वेटिव भी उसमें आपने ऐड नहीं करना क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। तो ये तमाम वो कंडीशंस हैं जो कि हमने फुलफिल करनी है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रोसीड होगा, ठीक है, अदरवाइज फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रोसीड नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ये तमाम कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से रॉ मटेरियल हैं जिससे हम जो अल्कोहल हासिल कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल्स जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक मोलेसेस है, स्टार्च ग्रेन्स और फ्रूट जूसेस। पाकिस्तान में हम मोलेसेस से, स्टार्च ग्रेन से और फ्रूट जूसेस से जो है वो हम अल्कोहल हासिल करते हैं। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि मोलेसेस से कैसे हासिल करते हैं। अब देखें मोलेसेस क्या है, पहले हमें देखना है कि मोलेसेस से अल्कोहल तो हासिल करते हैं, लेकिन मोलेसेस है क्या। मोलेसेस याद रखें बेटा, जो शुगर केन है, जो गन्ना है, आप उसका रस निकाल लेते हैं, उसका जो जूस निकाल लेते हैं, उसको शुगर इंडस्ट्री में, उससे शुगर की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। शुगर जब बनती है तो ज़ाहिर बात उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं,
वो जो कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है उसकी जब हम क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं तो शुगर तैयार हो जाती है क्रिस्टल्स फॉर्म में। तो उसका जो रेजिड्यू बचता है उसको हम कहते हैं मोलेसेस, ये याद रख लें। और मोलेसेस क्या होती है, बेसिकली सुक्रोज ही होती है, C12H22O11। जब इसमें वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम जो कि यीस्ट से प्रोड्यूस यीस्ट में पाया जाता है, तो ये सुक्रोज जो होता है बेसिकली याद रखे दो यूनिट से मिलके बना होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ये लार्ज हाइड्रोकार्बन ये स्मॉल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन यीस्ट। तो ये हमारे पास एक सिंपल फर्मेंटेशन प्रोसेस था जिसमें मैंने सुक्रोज को ब्रेक किया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। जो ग्लूकोज आंसर होता है फर्दर यीस्ट में ही एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है जाइमेज। तो जाइमेज इसको ब्रेक करता है तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास हासिल हो जाती है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस किया हुआ है। तो ये देखें सिंपल सुक्रोज से अल्कोहल हासिल हुई है हमारे पास दो स्टेप में, पहले इन्वर्टेज ने इसको ब्रेक किया ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, फिर ग्लूकोज को ब्रेक किया अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद है हमारे पास स्टार्च ग्रेन से भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्च बेसिकली क्या होता है आप देख सकते हैं C6H10O5N, इसका जो फॉर्मूला है जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। और याद रखें जो स्टार्च है ये ग्लूकोज के यूनिट से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे यूनिट से। तो बरा यह 14 चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे जाके। तो स्टार्च के अंदर वाटर ऐड करेंगे एन मॉलिक्यूल्स, और यीस्ट में मौजूद एंजाइम डायस्टेज इसको ब्रेक करेगा माल्टोज में। माल्टोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। अब ये माल्टोज और सुक्रोज दोनों का फॉर्मूला सेम है तो फर्क क्या है, तो सुक्रोज बेसिकली दो यूनिट्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक होता है क्योंकि इससे मिलके बना होता है, जबकि माल्टोज दोनों ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है। तो सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कहते हैं जो दो यूनिट से मिलके बना हो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जबकि माल्टोज ये जो है दो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो माल्टोज जो है उसको फर्दर यीस्ट में मौजूद एंजाइम माल्टेज इसको ब्रेक करेगा दो ग्लूकोज यूनिट्स में। इसने दो ग्लूकोज एक ग्लूकोज फ्रुक्टोज में ब्रेक किया, ये दोनों ग्लूकोज यूनिट्स में इसको ब्रेक करेगा माल्टेज एंजाइम। तो ये ग्लूकोज फर्दर ये रिएक्शन दोनों का सेम है, यीस्ट में मौजूद जाइमेज ने इसको भी किस में कन्वर्ट किया अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये भी इसको कन्वर्ट करेगा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ग्लूकोज अल्कोहल में किस एंजाइम की मौजूदगी में होता है, तो जाइमेज। इसी तरह सुक्रोज को कौन डिकम्पोज करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, इन्वर्टेज। इस तरह स्टार्च को कौन करता है, डायस्टेज। और माल्टोज के लिए कौन सा एंजाइम होता है, माल्टेज। इस प्रोसेस से जो हमारे पास अल्कोहल हासिल होती है वो 12% होती है, और इसको हम मैक्सिमम 14% तक हासिल कर सकते हैं। जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता जाएगा एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। तो 14% तक आप अल्कोहल इससे हासिल कर सकते हैं, उसके बाद एंजाइम बिकम इनएक्टिव। ये बात आपने याद रखनी ऑब्जेक्टिव के लिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस से आप 12-14% अल्कोहल हासिल कर सकते हैं, इसके बाद एंजाइम क्या हो जाता है, इनएक्टिव। अगर अब क्या कर सकते हैं आप इसको, अगर आप मजीद इसकी जो है वो डिस्टिलेशन करें, अगर आप इसकी मजीद डिस्टिलेशन करें तो देखें हमारे पास 12-14% हासिल होता है। आफ्टर डिस्टिलेशन अगेन एंड अगेन 95% अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये पूछ रहे थे रेक्टिफाइड स्पिरिट कितने परसेंट अल्कोहल होती है, तो याद रखें जब हम जो 12-14% हमारे पास जो अल्कोहल हासिल हुई उसको हम बार बार डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन करते जाएंगे तो आप 95% अल्कोहल हासिल कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है, 100% प्योर अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। वो कैसे हासिल करते हैं, जो 95% रेक्टिफाइड स्पिरिट आपके पास आई होती है उसके अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, वो जो 5% वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आप उसको डिस्टिलेशन करेंगे तो अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे, अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे, उसको आप कंडेंस जब करेंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी कि 100% अल्कोहल आपको हासिल हो जाएगी। अब ये जो अल्कोहल हासिल होती है जिसको मार्केट में हम यूज़ कर सकते हैं जो है मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में,
लेबोरेटरीज में, तो उसको ड्रिंकिंग पर्पज से कैसे बचाया जा सकता है कि लोग इसको पीने के लिए इस्तेमाल ना कर लें, तो इसको हम कहते हैं डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के अंदर हम कोई ऐसा टॉक्सिक केमिकल ऐड कर देते हैं जिससे डर कर लोग इसको पीने के लिए इस्तेमाल ना कर सकें, इस प्रोसेस को कहते हैं डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो बाई एडिंग 10% मेथानोल, उस अल्कोहल में हम 10% मेथानोल ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट, और इसके लिए इससे ये टॉक्सिक हो जाती है, इससे लोग डर के इसे पीने से इसको अवॉइड करते हैं, या इसमें 5% पिरिडीन या 5% एसीटोन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल क्या होती है, टू अवॉइड इट्स ड्रिंकिंग पर्पजेज, यानी कि इसको ड्रिंकिंग पर्पज से अवॉइड करने के लिए इसके अंदर 10% मेथानोल या 5% पिरिडीन या एसीटोन ऐड कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि इसको हम ड्रिंकिंग पर्पज से अवॉइड कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होती है इसके बारे में भी पूछ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। देखिए पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, मैंने बताया था 95% अल्कोहल को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, कितनी होती है 100% अल्कोहल को कहते हैं, इसको टिक करेंगे आप। मैक्सिमम अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन कितनी होती है, तो ऐसा 14% तक मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो डिस्टिलेशन कर करके आप 95% पहले हासिल करते हैं फिर 100% हासिल करते हैं। फॉर डी नेचरिंग व्हाट इज एडेड, डी नेचरिंग अल्कोहल की करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, 10% मैथानोल ऐड करते हैं, पिरिडीन ऐड करते हैं, एसीटोन, ऑल ऑफ दीज, तमाम ऑप्शन इसकी ठीक है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ग्लूकोज किस एंजाइम की मौजूदगी में अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो जाइमेज इसकी ऑप्शन है, ये आपने याद रखनी है। इस तरह इसके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर, किस एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट करते हैं, तो माल्टेज एंजाइम यूज होगा। इसी तरह जो है सुक्रोज को किस एंजाइम की मौजूदगी में ब्रेक किया जाता है, तो इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के लिए कौन सी कंडीशन नहीं रिक्वायर हमें, 25-35 चाहिए, प्रेजर्वेटिव्स चाहिए नहीं चाहिए, एरेशन चाहिए, डायल्यूशन ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो प्रेजर्वेटिव्स हमें नहीं चाहिए, तो इसकी बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगी। तो ये बेटा सिंपल हमारे पास फर्मेंटेशन से अल्कोहल कैसे हासिल करते हैं उसको हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करें, दुआओं में याद रखें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।